उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए राज्य सरकार को सख्त पाबंदियां भी लगानी पड़ रही हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार नियमों को और भी कड़ा और लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाला किया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब सभी शिक्षण संस्थान स्कूल अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। खास बात ये है कि सरकार ने अब शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालयों को दिन में 2 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 18000 के पार चली गई है। 13500 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो 5000 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालात को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को 25012 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 21014 पहुंच गई है। वहीं अब तक 1919 मरीजों की कोरोना के चलते जान चली गई है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ऋषिकेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट।